विधायक धर्म सिंह चौकर के चुनाव प्रचार में दीपेंद्र हुड्डा के जनसभा, जनसभा में उमड़ा भारी सैलाब। हल्के के गांव बिहोली में हुई विधायक धर्म सिंह चौकर के चुनाव प्रचार को लेकर कांग्रेस की जनसभा में भारी जनसैलाब उमड़ा, जिसमें सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समालखा से अलग अलग गांव से लोग ट्रैक्टर, बसें और अपने निजी वाहनों से बिहोली पहुंचे, जहां लोकप्रिय गायक अजय हुड्डा व रॉकी मित्तल ने भी गायकी का प्रदर्शन किया। 10,000 से 12,000 लोगों की जनसभा को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोग भाजपा के 10 साल के शासन से इतने परेशान हैं कि बस 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। धर्म सिंह चौकर हमारे घर के आदमी हैं। हमने समालखा से धर्म सिंह चौकर को इसलिए टिकट दी है ताकि भाजपा सरकार बनाने की सारी अपनी साजिशों में विफल हो जाए। दीपेंद्र ने कहा कि आप धर्म सिंह को जिताकर चंडीगढ़ भेजो, हम इनको और बड़ी जिम्मेदारी के साथ समालखा वापस भेजेंगे। जनसभा में उत्तराखंड के 5 बार के सोनीपत सांसद सत्यपाल ब्रह्मचारी, विधायक ममता राकेश, पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान, पूर्व विधायक अर्जुन सिंह पहुंचे, तो वहीं संचालन मास्टर दिलीप चौधरी ने किया। सर यहां पर जोश के साथ आए हैं, जी तो आपकी निश्चित दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की सरकार हरियाणा बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनते ही हर वर्ग के लिए हम कार्य करेंगे। सबसे पहली कदम से अपने बड़े बुजुर्गों की 6,000 बुढ़ापा पेंशन ग्रीस में सबसे ज्यादा, हमारी माताओं और बहनों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, और बुढ़ापा पेंशन से 60 साल से कम की हमारी माताओं बहनों के लिए 2,000 रुपए के प्रति माह रसोई घर दिलवाने का काम करेंगे। महंगाई इतनी घटती बीजेपी ने, बिजली उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली में राहत देने का काम करेंगे। किसान को MSP की गारंटी, और MSP गारंटी के साथ साथ आपको याद होगा 10 साल की उनका सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, किसान को कभी आंदोलन नहीं करना पड़ा था, वो यूं नहीं करना पड़ा था कि सही भाव मिला था, किसान की सुनवाई हुई थी, मंडी में अच्छी सुनवाई हुई, सही भाव मिला। जो नारा आपको याद होगा, क्या नारा था? पानीपत समालखा से मनदीप कुमार की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।